नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर में मकर संक्रांति मेले की तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले की समुचित व्यवस्था तथा इसमें सम्मिलित होने वाले सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग को समस्त तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नव वर्ष के प्रथम दिवस से ही श्री गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। वाहनों को पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाए। वाहन स्टैंड पर सुरक्षा, सीसीटीवी, प्रकाश अलावा तथा साफ सफाई आदि की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंदिर में नेपाल एवं बिहार से बड़ी संख्या में लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, इसके दृष्टिगत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। महिला पुलिस तथा सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने निर्णय लिया है कि वीर बाल दिवस के मौके पर 22 दिसंबर माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण के विभाग के विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। प्रतियोगिता में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी मुकाबलों का आयोजन भी किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग का मानना है कि इससे छात्र छात्राएं, किशोर और नवयुवा पीढ़ी चारों साहबजादों की अमूल्य शहादत से जागरूक होंगे और युवाओं के भी इससे प्रेरणा मिलेगी। इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चारों साहेबजादों की स्मृति में उनकी शहादत और उनके जीवन परिचय से चूंकि किशोर छात्र छात्राएं हमारे युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इस निमित्त उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों तथा अल्पसंख्यक कल्याण के विद्यालयों में उनके जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी मुकाबला, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता तथा क्विज कंपटीशन रखने की अपेक्षा की थी और इस प्रकार का निवेदन किया। उस तत्संबंध में बैठक भी की कि हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति इस बार आयोजित करें। मुझे बताते हुए अपार हर्ष है कि बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के द्वारा समस्त विद्यालयों में जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक है समस्त जनपदों को इस प्रकार का सर्कुलर एक आदेश जारी कर दिया गया है। दिनांक 22 तारीख को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों में चारों साहेबजादों के जीवन परिचय से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मैं उपरोक्त पुनीत कार्य हेतु प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री संत महात्मा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आए करीब 200 लोगों ने सीएम से अपनी समस्याएं बताई। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गौरतलब है कि सीएम योगी लगातार जनता से जुड़ी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं।
ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सुल्तान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ओमान के सुल्तान भारत पहुंचे हुए हैं और अब यहां पर राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे हैं जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत हो रहा है। Thank you.
देना सम्मान कार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है दीवान। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा सिद्धार्थनगर जनपद की इटवा विधानसभा के धनवापुर विकासखंड स्थित जिग्ना हबीबपुर पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया है। देश में मोदी की गारंटी ही चलेगी और कोई दूसरी गारंटी काम नहीं आएगी। करोड़ों लोगों को इस यात्रा के तहत जोड़ने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प सबका साथ सबका विकास के साथ कल्याणकारी योजनाओं को सभी वर्ग तक पहुंचाने का भी प्रयास जारी है। इसी संकल्प की पूर्ति हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। भारत के विकास पर दुनिया गर्व करेगी, ऐसा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है शुरू हो गई है, जिसके तहत सभी मंत्री जो है शिरकत ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी विकसित भारत के ये यात्रा जो है शुरू की गई है और इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर
जनसंवाद किए हैं मंत्रियों ने, और जनसंवाद करते हुए सभी को संबोधन किया है। लखनऊ से ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और सभी मौजूद रहे हैं, साथ ही कई मंत्री भी जो हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तस्वीरें आप सीधे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कंट्री यार्ड बाय मैरियट का शुभारंभ किया है और साथ ही जनता को संबोधित भी किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। गोरखपुर में आज से लगभग 20 वर्ष पहले जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और काजीबाड़ी के महंत जी, गोरखपुर के पूर्वांचल के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बालकृष्ण सर्राफ जी, चेयरमैन केके ग्रुप श्री जगदीश आनंद जी, चेयरमैन एस्प्रा ग्रुप श्री अतुल सर्राफ जी, हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, मैरियट कोर्टयार्ड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में कई चीजें नई हो रही हैं, जिसमें अभी हम लोग इस 5-स्टार होटल का उद्घाटन करके आपके बीच में आए हैं और कुछ ही देर में रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साथ इन दोनों सेवाओं के लिए गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली, विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए, शुरुआत एक जगह से होती है और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास दौड़ पड़ता है, सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है, सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा और आज इस होटल के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं यहां के जीएम से पूछ रहा था कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुंबई से। यहां पे एक पदाधिकारी से मैं पूछ रहा था आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद से। यहां पे एक स्टाफ से मैंने पूछा आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं दार्जिलिंग से। किसी से मैं पूछ रहा था आप कहां से हैं, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है, यानी लोकल लोगों के साथ साथ, लोकल यूथ के साथ साथ देश के भी स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। और मैं इसके लिए केके ग्रुप को और एस्प्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5-स्टार होटल को मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था और जब कभी, यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था
तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा, ये उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे, मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन भवन, पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखे वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडर में आज एक 5-स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडर की थी तो खंडर ही था, आज की सरकार की खोज जो सोच है वो 5-स्टार और 7-स्टार की है। एक 5-स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है, जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी, सरकार जैसे सोचेगी, जनभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है, ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते हैं, होटल बुक करते हैं। बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं? साहब रिश्तेदार आए थे और आज का होटल, आज का हमने उनको भोजन देने के लिए कहा था तो हमने फलाने होटल में उनको पार्टी दी है। आप सोचिए, बिहार के छपरा से, सिवान से, चंपारण से जुड़े हुए लोग। और मैंने कहा फिर कहा भोजन करके फिर हम रात्रि को चले जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। और आज हम तो गोरखपुर में क्रूज सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आपके लिए होटल के साथ साथ, इस 5-स्टार होटल के साथ साथ क्रूज में भी और फैमिली रेस्टोरेंट भी होगा, पार्टी भी दीजिए और साथ साथ वहां पे घूमिए भी 1-2 घंटा। मेहनत भी करिए, परिश्रम भी करिए, और परिश्रम के साथ जब साप्ताहिक में, सप्ताह में, महीने में कोई दिन अवसर मिले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ जाइए, देखिए, कभी जू देखिए, कभी रामगढ़ ताल देखिए, कभी होटल में घूमिए, गोरखपुर के अंदर अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करिए, अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपने गांव को, अपने शहर को के प्रति एक भावनात्मक लगाव रखिए, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। और आज का यह अवसर हम सब के लिए इसी रूप में है, हर व्यक्ति अपने अनुसार इनका आनंद भी ले रहा है। आपने देखा होगा रामगढ़ ताल समर गया है तो रवि किशन अपनी फिल्म पार्टी लेकर के यहां पे अब फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। एक अच्छा अवसर, एक अच्छा डेस्टिनेशन उनको प्राप्त हुआ। कालीबाड़ी के बाबा भी अपने यहां पे जब आते हैं तो वे भी अपने ग्राहक ढूंढते हैं कि मेरा यजमान कौन सा है, तो उनको भी अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति देखता है और पर्यटन विभाग इस बात के लिए संतुष्ट होता है कि देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो लुप्त प्राय हो रही थी, नष्ट हो रही थी, आज वहां पे एक 5-स्टार होटल बन करके जनता जनार्दन की सेवा और उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने का एक माध्यम बन रही है। यानी सभी कुछ यशस्वी बनने की ओर अग्रसर है और यही जीवन है। आपने पुरुषार्थ किया, सही सत्संकल्प के साथ आगे बढ़े तो उसका लाभ हर एक को प्राप्त हो रहा है। और इसी सत प्रयास से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनता है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा,
2027 के इस लक्ष्य को लेकर के हम सब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस दिशा में जो सार्थक प्रयास कर रहा है, हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे भी वही स्थिति है। आप अयोध्या में जाएंगे, एक नई अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या में हमारे पास लगभग 2 दर्जन 5 स्टार और 7 स्टार होटल के प्रस्ताव आ चुके हैं। काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई आना नहीं चाहता था, जो था वो अभी। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नया शर्मा, आप सब लोगों के बदा मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।